पटना ले जाकर गंगा में प्रवाहित की जाएंगी सुशांत सिंह राजपूत की अस्थियां। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है। मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन सुशांत के परिवार ने उनकी अस्थियों को पटना ले जाकर गंगा में प्रवाहित करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उठाए सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर सवाल, जांच की मांग की। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की गुत्थी फिलहाल उलझी हुई है। इसी बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट के जरिए कई सवाल खड़े किए हैं। अनिल देशमुख ने प्रोफेशनल प्रेशर को झेल रहे सुशांत की आत्महत्या की जाँच होने की मांग की। सुशांत सिंह राजपूत की भाभी का निधन देवर की मौत के सदमे को नहीं कर पाए बर्दाश्त। लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को ही किसी की नजर लग गई है। पहले बेटे सुशांत ने दुनिया को अलविदा कहा और अब सुशांत की चचेरी भाभी की भी मौत हो गई है। पटना में रहने वाली सुशांत की भाभी सुशांत का जाना बर्दाश्त नहीं कर पाई और सदमे से उनकी मौत हो गई। सुशांत को लेकर करण जौहर के पोस्ट पर प्यार बरसाकर ऋतिक रोशन आए ट्रोलर्स के निशाने पर। बॉलीवुड इंडस्ट्री अब एक बार फिर से आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स की लड़ाई के बीच अटकी हुई है। हाल ही में करण जौहर ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद एक पोस्ट शेयर किया, जिस पर ऋतिक ने लवली करण लिखा था। ऋतिक को उनके इस कमेंट के लिए ट्रोल किया जा रहा है। फैंस का कहना है कि करण जौहर जैसे लोग ही इंडस्ट्री में पक्षपात करते हैं और आप उन पर प्यार बरसा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सोनम के ट्वीट पर उठे सवाल सोशल मीडिया पर भी हुई ट्रॉल। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि किसी की भी मौत के बाद उसके परिवार, उसकी गर्लफ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड को जिम्मेदार नहीं ठहराना जाना चाहिए। सोनम इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार से लौटे विवेक ओबेरॉय ने जाहिर किया दुख। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय ने सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौटने के बाद सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, करियर में कई ऐसे फेज आते हैं जिनमें हम टूट जाते हैं, लेकिन हमें उनका सामना करना चाहिए। इसके अलावा सुशांत के पिता का क्या हाल था, ये भी विवेक ने भावुक तरीके से सबको बताया। दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने लगाए सलमान खान पर गंभीर आरोप, कहा, मेरा करियर बर्बाद कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए डायरेक्टर अनुराग कश्यप के भाई और दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज खोले और सलमान खान सहित अरबाज, सोहेल और सलीम खान पर परेशान करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तीनों भाइयों ने मिलकर मेरा पूरा करियर बर्बाद कर दिया। रवीना टंडन ने किया खुलासा, बॉलीवुड इंडस्ट्री के काले सच को किया जग जाहिर। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के काले सच को उजागर किया है। रवीना ने कहा कि यहाँ पर दादागिरी और तानाशाही चलती है। कई बार मैंने भी इसका सामना किया है, मुझे भी कई फिल्मों से बिना किसी बात के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। 15 अगस्त को रिलीज हो सकती है अक्षय कुमार स्टारर लक्ष्मी बॉम्ब। 125 करोड़ में डील फाइनल। अगर आप भी अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब देखने का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है। खबरें आ रही हैं कि फिल्म को 15 अगस्त के दिन रिलीज किया जा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो एक लीडिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म ने फिल्म को 125 करोड़ रुपए में खरीदा है। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान होना बाकी है। सोनू सूद को फैंस ने कहा कोरोना फाइटर किंग, एक्टर ने दिया दिल जीत लेने वाला जवाब। सोनू सूद का जलवा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचा रहे सोनू उनके लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। हाल ही में सोनू को सोशल मीडिया पर कोरोना फाइटर किंग सोनू सूद कहा जाने लगा, जिसके जवाब में सोनू ने लिखा, ये बहुत अच्छा है पर मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मुझे बस आप लोगों का प्यार और शुभकामनाएं चाहिए।